दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बैंक ऑफ इंडिया का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसे कैसे यूज कर सकते हैं, किस तरीके से उसे यूज करना है, कैसे उसे रजिस्टर करना है, सारा एक एक डिटेल्स जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। तो मेरे इस वीडियो पर बने रहिएगा ताकि आप ये जान सकें कि बैंक ऑफ इंडिया का जो एप्लीकेशन है उसे आप कैसे यूज कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि बैंक ऑफ इंडिया का जो एप्लीकेशन है उसे आप कैसे यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल ही जाएगा आपको, आप वहां से भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद जब सिंपली आप इसे ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए, इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करते जाएंगे तो लास्ट में आपको प्रोसीड का जो है एक यहाँ पे बटन आपको दिखेगा, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो सबसे पहले जो है आप अपने मोबाइल का जो डाटा है उसे ऑन इनेबल कर लेंगे, अगर डाटा नहीं ऑन है तो इसे आप ऑन कर लेंगे। डाटा को ऑन करने के बाद यहाँ पे प्रोसेस में आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको कुछ परमिशन मांगेगा, तो यहाँ पे परमिशन आपको दे देना है, एलो कर देना है। यहाँ पे परमिशन को आप एलो कर देंगे। परमिशन एलो कर देने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देखिए, कभी कभी ऐसा आता है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस प्लीज़ ट्राई नाउ, तो यहाँ पे इस तरह का कभी कभी पॉपअप आ जाता है। तो फिर से आप यहाँ पे प्रोसेस में क्लिक करेंगे। प्रोसेस में जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको जो है सिम कार्ड चूज करने के लिए बोलेगा कि आपका जो अकाउंट है सिम कौन सा सिम से यहाँ पे लिंक है, सिम वन या सिम टू। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या करेंगे, सिम को सिलेक्ट कर लेंगे, अगर टू में है तो टू सिलेक्ट कर लेंगे, अगर वन में है तो वन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सिंपली यहाँ पे सेंड पे क्लिक करेंगे, लॉगिन टू एम बैंकिंग यहाँ पे लिख के आ गया। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे देखिए साइन इन का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो उसके बाद जो है आपको इस तरह का जो है इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पे लॉग इन टू एम पिन में आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे यूजर आईडी आपका डाल देना है, जो यूजर आईडी आप क्रिएट किए हैं, और नीचे जो पिन है पिन यहाँ पे डाल देंगे, लॉगिन पिन जो भी आपका लॉगिन पिन है। तो यहाँ पे मैं यूजर आईडी और पासवर्ड डाल देता हूँ। जब यूजर आईडी और पासवर्ड जो है यहाँ पे डाल के आप लॉगिन में क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं माई अकाउंट लिखा हुआ है, एम पासबुक लिखा हुआ है, उसके बाद गिवन डाटा बैलेंस, उसके बाद यहाँ पर देखिए बेनिफिशरी मैनेजमेंट IMPS लिखा हुआ है, उसके बाद फंड ट्रांसफ़र का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको, बिल पे का ऑप्शन एक मिल जाता है, डिपॉजिट का भी यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, उसके बाद कार्ड सर्विसेज में जाके आप कार्ड सर्विसेज को भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली आपको क्या करता हूँ, एम पासबुक में जाके यहाँ पे दिखाता हूँ कि एम पासबुक में जब आप क्लिक करेंगे तो आपके आपको जो है यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा। देखिए, एम पासबुक में आप जैसे जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर देखने को मिलेगा, सेलेक्ट अकाउंट यहाँ पे आपको जो है लिखा हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे जो भी अकाउंट नंबर का आप पासबुक देखना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको अगर स्टेटमेंट चाहिए तो आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से जो है अपना स्टेटमेंट देख सकते हैं। लास्ट मंथ का चाहिए तो यहाँ पर लास्ट मंथ में आप क्लिक सेलेक्ट कर लेंगे लास्ट मंथ का अगर चाहिए, और नीचे गेट स्टेटमेंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है उस पर आप क्लिक करेंगे और आपको जो है अपने अकाउंट का पूरा यहाँ पे स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा लास्ट मंथ का। वहीं अगर आपको लास्ट 3 मंथ का चाहिए तो यहाँ पे लास्ट 3 मंथ का भी यहाँ पे ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे लास्ट 6 मंथ चाहिए तो लास्ट 6 मंथ यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट 1 ईयर 1 साल का पूरा चाहिए तो यहाँ पे लास्ट 1 ईयर को भी आप सेलेक्ट करके जो 1 साल का पूरा यहाँ पे स्टेटमेंट जो है डाउनलोड कर सकते हैं। वही अगर आपको डेट सेलेक्ट करना है कि आपको एक जो है पर्टिकुलर डेट तक चाहिए तो यहाँ पे आप डेट को सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए कि आप मार्च एक तारीख से आपको जो है मार्च टील डेट का आपको चाहिए तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे उस डेट को, ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे गेट स्टेटमेंट में आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है आपका स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाएगा। एम पासबुक में आया, यहाँ पे अकाउंट को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मान लीजिए लास्ट हमको 3 मंथ का ही चाहिए तो लास्ट 3 मंथ में क्लिक किया, गेट स्टेटमेंट में क्लिक किया, देखिए लैंडस्केप मोड में आ गया। अब यहाँ पे देखिए आपको जो है मोर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक करते रहना है जबकि ये नहीं हट जाए। यहाँ पर मोर को आपको क्लिक करते रहना है ताकि आपका पूरा स्टेटमेंट जो है आ जाए, जो 3 मंथ का आपने सेलेक्ट किया
देखिए अब आ गया, आप यहाँ पे स्टेटमेंट को आप जो है मेल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मेल स्टेटमेंट में अगर मेल आईडी आपका अकाउंट में लिंक है, आपका मेल आईडी जो है अकाउंट में दिया गया है, तो ये जो ईमेल स्टेटमेंट में आप क्लिक करेंगे तो आपका मेल चल जाएगा। या फिर आप यहाँ पे जनरेट पीडीएफ लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्टेटमेंट जो है पीडीएफ में क्रिएट हो जाएगा आप, और आप इसे डाउनलोड करके रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मेरा जो है आ गया पीडीएफ। जब आप यहाँ पे पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे, क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे जो है आपका जो पीडीएफ एप्लीकेशन है उससे जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे पासवर्ड मांगता है, यानी कि ये प्रोटेक्टेड रहता है। तो यहाँ पे पासवर्ड क्या होगा, पासवर्ड जो आपका मोबाइल नंबर है वही मोबाइल नंबर रहता है। लास्ट यहाँ पे आपका पासवर्ड जो है फर्स्ट का 4 डिजिट रहता है आपका मोबाइल नंबर, और लास्ट का 4 डिजिट आपको डालना है। देखिए जैसे मैं यहाँ पे लास्ट का फर्स्ट का जो है 4 डिजिट और लास्ट का 4 डिजिट डाल के यहाँ पे ओपन करूँगा, ये ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने जो है पासवर्ड डाल दिया, अब मैं सिंपली ओपन में क्लिक करूँगा, यहाँ पे पूरा मेरा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे देखिए ओपन हो गया। अब इसे आप जो है यहाँ पे चाहे तो आप अपने ड्राइव में यहाँ पे यहाँ से सेव कर सकते हैं, या फिर किसी को शेयर करना है तो यहाँ पे 3 डॉट में जाके शेयरिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, किसी को यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। डाउनलोड करना है तो डाउनलोड का ऑप्शन भी यहाँ पे मिल गया, प्रिंट का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, प्रिंट करना है तो यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि इसे गूगल ड्राइव में सेव करके रख लेंगे तो यहाँ पे प्लस में आपको मिल जाएगा गूगल ड्राइव का ऑप्शन, यहाँ पे जो है आप गूगल ड्राइव में इसे सेव कर सकते हैं। सिंपली सेव में क्लिक करते ही आपका जो है गूगल ड्राइव में ये सेव हो जाएगा। अगर आपने सेटिंग में जो है यहाँ पे ऑफ करके रखा है ऑटो जो सिंक होता है उसको, तो यहाँ पे रिज्यूम कर दीजिएगा और ये आपका जो है ड्राइव में सेव हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे रिज्यूम पे क्लिक किया और ये मेरा जो है सेव हो गया। देखिए यहाँ पे सेव हो गया, लॉकेट फाइल का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। आपको जो है बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है स्टेटमेंट वगैरह लेने के लिए, यहाँ पे आप खुद से जो है स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा